इसको सीधा ही उखड़ा करना जय बोलिए गौ माता की जय। अरे एक ही बात मां तीर्थ पथमड़ा द्वारा बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त और गंभीर बीमार निराश्रित गौवंश की सेवार्थी श्री पथमड़ा गौ चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा है। आज आदि गौर समाज द्वारा सामूहिक रूप से पूरी गौ माताओं के लिए 250 किलो की लापसी बनवाई गई है, वो भी यहाँ इसी संस्था द्वारा की जाती है। यहाँ पर तेजाब से जले हुए केस भी हैं, दुर्घटना में घायल केस भी हैं, रीढ़ गड्ढी टूटे हुए केस भी हैं, बच्चेदानी बाहर आई हुई गौ माता भी है। प्लास्टिक खाने के बाद में गायों की चिकित्सा के लिए क्या व्यवस्था होती है? प्लास्टिक खाने के बाद में उस गौ माता को यहाँ ला करके उसको हरा चारा जिमाया जाता है। प्लास्टिक के बाद में जब उसका ऑपरेशन किया जाता है तब ऑपरेशन के बाद में बचने की गुंजाइश बहुत कम रहती है गौ माता की, अगर वो शरीर से बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं है तो। और जो शहर से गौवंश आता है वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ होता नहीं है, इसलिए उनको हरा चारा ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाता है। उस हरे चारे को खाने से उनकी धीरे धीरे पाचन शक्ति कुछ ठीक हो जाती है और वो अपना जीवन कुछ लंबी आयु तक जी पाता है।